राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। राजस्थान की कुल 25 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद वागड़ की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा, जबकि बीजेपी को अब यहाँ से हार का सामना करना पड़ेगा। भारत आदिवासी पार्टी ने दोनों पार्टियों के बीच ऐसा माहौल बना दिया है कि दोनों पार्टियों को मिलकर इस पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट व बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव सीट पर गठबंधन हुआ है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी अन्य सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जो बीजेपी व कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दोनों पार्टियों के लिए त्रिकोणीय मुकाबले बन गए हैं। दोनों पार्टियों को भारत आदिवासी पार्टी बड़ी टक्कर दे रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट का समीकरण व जातीय वोटर के अनुसार राजकुमार रोत के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से इस बार राजकुमार रोत बाजी मारेंगे। राजकुमार रोत की एक तरफा जीत दिख रही है। बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहां से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बागीदोरा विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के जयकरसन पटेल यहां से जीतेंगे, जबकि उदयपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद बुज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस व बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। यहां से प्रकाश चंद बुज को बड़ा जनादेश मिल रहा है। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार मांगीलाल निमामा चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी स्थिति त्रिकोणीय मुकाबले की बनी हुई है। भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार मांगीलाल निमामा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने बीजेपी व कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। यहां दोनों सीटों पर कांग्रेस व बीजेपी को त्रिकोणीय संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यहां की क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही है। उदयपुर लोकसभा सीट से त्रिकोणीय संघर्ष में प्रकाश चंद बुज बाजी मार सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।